नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन किसना और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग मलेरिया और टाइफाइड को बिना टेस्ट करवाए उनके लक्षणों के आधार पर पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें टेस्ट से बहुत अधिक महत्व शरीर में उभरने वाले लक्षणों को दिया जाता है और उन लक्षणों के आधार पर यदि हम ज्वर को देखेंगे तो बड़े आसान तरीके से मलेरिया और टाइफाइड ज्वर को पहचान पाएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मलेरिया ज्वर को अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शरीर में लगातार नहीं बने रहने वाला ज्वर। यह ज्वर कुछ समय तक हमारे शरीर में रहता है और फिर ठीक हो जाता है, लेकिन इसके यह लक्षण संपूर्ण लक्षण नहीं है। आपको ध्यान देना है, यदि आप ज्वर से पीड़ित होते हैं तो 2 से 3 दिनों तक आप ज्वर को देखें। यदि मौसमी ज्वर होगा तो यह 2 से 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और 2 से 3 दिनों के बाद भी यदि ज्वर आपके शरीर में बना रहता है तो आप सतर्क हो जाएं और इसके लक्षणों पर ध्यान दें। आप ध्यान दें, यदि ज्वर आपके शरीर में जाड़े देकर आ रहा है और जब ज्वर तीव्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसके पश्चात धीरे धीरे यह पसीने की अवस्था में आकर आपके शरीर से उतर जाता है तो ये मलेरिया ज्वर के लक्षण है। इसमें 3 अवस्था पर आपको ध्यान देना है, जाड़े देकर बुखार का आना, बुखार आ जाने पर प्यास की अवस्था का होना, यह प्यास बहुत अधिक या कम भी हो सकता है, और फिर पसीने देकर ज्वर का उतर जाना। यह ज्वर आपके शरीर में लगातार नहीं बना रहेगा, बल्कि दिन में 1 या 2 बार आपके शरीर में आएगा और फिर चला जाएगा। ज्वर के उतर जाने की स्थिति में रोगी अपने आप को बिल्कुल भला चंगा महसूस करने लगता है, लेकिन यह ज्वर बहुत ही घातक होता है। इस ज्वर के होने का प्रमुख कारण मच्छर होता है, यह मादा एनोफिल मच्छर के काटने से फैलता है और इस मच्छर के काटने पर आपके शरीर में प्लाज्मोडियम नामक विषाणु चले जाते हैं और यह आपके रक्त को दूषित कर देते हैं और धीरे धीरे आपके रक्त में RBC अर्थात लाल रक्त कण की कमी होने लगती है और आप एक घातक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मलेरिया केवल रक्त को ही दूषित नहीं करता है, बल्कि यह आपके लीवर को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसलिए जब हम मलेरिया की दवा को चलाते हैं तो उसके साथ लीवर के प्रोटेक्शन के लिए भी दवा जरूर चलती है। मलेरिया के मैंने आपको 3 प्रमुख लक्षण बताए थे, ठंड देकर ज्वर का आना, फिर ज्वर की अवस्था में कम या अधिक प्यास का रहना और 3री अवस्था में पसीने देकर ज्वर का उतर जाना। इसके साथ कुछ सहायक लक्षण भी जुड़े होते हैं, जैसे कि सरदर्द होना, जीभ का मिचलाना या फिर उल्टी होना, चक्कर आना, ये सभी लक्षण मलेरिया ज्वर के लक्षण हैं। इस प्रकार यदि आप इन लक्षणों पर ध्यान देते हैं तो बिना टेस्ट करवाए आप लक्षणों के माध्यम से बड़े आसान तरीके से मलेरिया ज्वर को पहचान सकते हैं। अब हम लोग टाइफाइड ज्वर के बारे में जानते हैं कि टाइफाइड ज्वर के क्या लक्षण होते हैं। इसमें भी ज्वर मलेरिया ज्वर की तरह ही ठंड देकर आता है, लेकिन एक बार यह ज्वर आपके शरीर में आ जाने पर यह जाता नहीं है, बल्कि आपके शरीर में बना रह जाता है। इसमें ज्वर 99 या 100 या इससे अधिक होंगे और आपके शरीर में लगातार बने रह जाएंगे। इसलिए टाइफाइड ज्वर को मिटेंट फीवर अर्थात शरीर में लगातार बने रहने वाले बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड ज्वर का प्रमुख कारण होता है बेसिलस टाइफोसस नामक जीवाणु। यह जीवाणु दूषित जल या खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और ये जीवाणु हमारे आंख को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे आंतरिक ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार आप इसके प्रमुख लक्षण को जान गए हैं। टाइफाइड ज्वर में ज्वर ठंड देकर आती है और हमारे शरीर में लगातार बनी हुई रह जाती है। यह हमारे आंतों को
प्रभावित करती है। इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं जिन्हें सहायक लक्षण के नाम से जाना जाता है। टाइफाइड ज्वर से पीड़ित होने पर आपके चेहरे में जलन होगा, हाथों की हथेलियां जलेगी, पैर के तलवे में जलन होगा, इसमें भी प्यास की कम या अधिक अवस्था हो सकती है, सरदर्द और मिचली की अवस्था भी हो सकती है। इस प्रकार यदि आप इसके समस्त लक्षणों पर ध्यान देते हैं तो बड़े आसान तरीके से टाइफाइड ज्वर को पहचान सकते हैं। आप ध्यान दें, मलेरिया और टाइफाइड ये दोनों ही ज्वर जानलेवा भी होते हैं, इसलिए इनके चिकित्सा में बहुत अधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग मलेरिया और टाइफाइड ज्वर के लक्षणों को समझ गए हैं और इनके लक्षणों पर ध्यान देकर आप बड़े आसान तरीके से इन दोनों ज्वरों को पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएं, और आगे का एपिसोड मैं दवाइयों के लिए मलेरिया और टाइफाइड पर ही बना रहा हूं, उसे जरूर देखें। आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।